अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। किसी ने मुझे कॉल करके कहा था कि आप ऐसे ना कहा करें कि आप कैसे हैं, आप कह दिया करें कि उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, क्योंकि वो हमारे सामने नहीं होते जवाब देने के लिए। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं ऐसे ही कहा करूँगी। और ये सुबह का टाइम है, सारे काम घर के हो चुके हैं और मैं भी थोड़े बहुत जो होते हैं काम वो करके, और अब मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। तो ये मेरी 10-11 बजे वाली चाय है, जो कि काम करने के बाद बड़ा दिल करता है कि अच्छा अब घर साफ़ हो गया तो अब बैठ के चाय पी जाए। तो अब मैं बैठ के चाय पीऊँगी और बिज़नेस कॉल्स मैसेजेस सबके अटेंड करूँगी, थोड़ी देर बैठूँगी। और वॉइस मैसेजेस काफ़ी सारे आए होते हैं तो वो मुझे चेक करने होते हैं, आंसर करना होता है, बुकिंग करनी होती है, किसी का पार्सल मिला है किसी का नहीं मिला, कुछ ना कुछ ऐसे। तो बिज़नेस आधा दिन तो मेरा बिज़नेस में ही निकल जाता है। तो बस फिर वो अटेंड करने के बाद सारा कुछ, उसके बाद मैं यूट्यूब स्टूडियो जो है वहाँ से कमेंट्स पढ़ती हूँ, जितने भी वीडियोस पे कमेंट्स आए होते हैं उनको पढ़ती हूँ। और हफ्ते में अब एक दिन ऐसा रखूँगी कि आप सबके कमेंट्स पढ़ूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका लिख के जवाब नहीं दिया जा सकता, उनका समझा के सामने बोल के जवाब दिया जा सकता है। तो ये वीकेंड पे हम लोग गए थे चेज़अप, वहाँ से मैंने ग्रॉसरी करनी थी तो मैं यहाँ से ग्रॉसरी करूँगी, क्योंकि मुझे 2 महीने हो गए थे मैंने ग्रॉसरी अपनी नहीं की थी, ग्रॉसरी नहीं ली थी, सब ख़त्म हो गया था घर में, तो मैंने 2 महीने की इकट्ठे कर ली थी शॉपिंग। और जब भी मैं ऐसी कोई जगह आती हूँ तो सबसे पहले मैं कोई कुकिंग पैन या कुछ पतीले या कुछ इस तरह चेक करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं नए नए पतीले मेरे घर में हों, नए नए पैन हों, मुझे सबसे ज़्यादा इन्हीं चीज़ों का शौक रहता है। और बस काफ़ी सारी चीज़ें थीं लेने के लिए। अच्छा एक और बात मैं बताऊँ कि यहाँ पर शॉपिंग करते करते मुझे मेरी सब्सक्राइबर एक मिल गई थी, उनकी आईडी शायद मोहम्मद मुदस्सर के नाम से है, मैंने पूछा भी सही उनसे, तो एकदम से उन्होंने मुझे आकर कहा आप नाती हैं? मैंने एकदम से कुछ सोचे समझे बगैर मैंने कहा नहीं। मैं इतनी ज़्यादा कंफ्यूज हो गई, आई एम सॉरी, मैं उनसे ठीक से बात नहीं कर पाई। अगर वो सुन रही होंगी तो वो समझ जाएंगे कि मैं उन्हीं के बारे में बात कर रही हूँ। तो मैं एकदम से, ऐसा कभी हुआ नहीं मेरे साथ कि मेरी कोई सब्सक्राइबर मुझे मिली हूँ, ऐसा फ़र्स्ट टाइम ही हुआ था। तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी, लेकिन बाद में बहुत अच्छा भी लगा। और मैं सोची थी हाँ मैं तो तैयार भी नहीं होके गई, मैं तो ऐसे ही चली गई। तो बस ऐसा लाइफ में पहला एक्सपीरियंस मेरा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने आई थिंक मनाल से पहचाना होगा, मेरी तो शक्ल किसी को पता नहीं है, तो मनाल को ही उन्होंने पहचाना होगा। और ये ट्यूसडे है, ट्यूसडे का दिन है और उस दिन बहुत बारिश हुई थी, सारा दिन बारिश होती रही थी, इतनी प्यारी बारिश लग रही थी, सारा दिन खूब बरसी बारिश, खूब बरसी। और मुझे बड़ी अच्छी लगती है बारिश, या तो धूप हो या फिर बारिश हो, बीच का मौसम मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। और ये मैंने ट्राईपॉड मैंने ऑर्डर कराया था दराज से, और गोरिल्ला ट्राईपॉड है, मुझे ज़रूरत पड़ती थी समटाइम, कुछ करीब का शूट करना होता था खाना ख़ास तौर पे बनाने के लिए, तो वो एक ही लोकेशन रहती है तो एक ही तरह की वीडियो लगती हैं,
तो फिर मैंने ये गोरिल्ला लैप सॉरी गोरिल्ला बल्कि लैपटॉप ही मैंने नया लिया है, वो मैं बाद में दिखाऊंगी। और बस ये देखे मैंने बहुत सारी मैंने शॉपिंग की है बहुत सारी, क्योंकि मेरा सामान बिल्कुल ख़त्म हो गया था। तो ये मैंने चीनी ली, ये मैंने बेसन, ये कुछ दालें और मसूर की दाल, मूंग की दाल और पापड़ी ली मैंने, बूंदी ली दही बड़े बनाने के लिए, और ज़ीरा लिया, इलायची ली, हल्दी कुटी हुई मिर्च ली, सॉल्ट लिया और ये गरम मसाला मैंने लिया। और क्योंकि जब से मैंने फिर घर सेट किया है उसके बाद फिर काफ़ी चीज़ों की मुझे ज़रूरत थी, तो मैं चाह रही थी कि अच्छा मैं सब कुछ सेट कर लूँ एक बार, फिर मैं जाके ग्रॉसरी लूँ, किचन वगैरह भी मैं सेट कर लूँ, सब कुछ ठिकाने पे कर लूँ, तो फिर मैं ले आऊँगी। और कुछ ड्राई फ्रूट्स मैंने लिए हैं, मिक्स भी और पिस्ता भी, कुछ पीनट्स हैं मसाला वाले पीनट्स, और कुछ मनाल के लिए चिप्स निम्को वगैरह मैंने सारी चीज़ें ली हैं, और ये पापड़ लिए हैं। मैंने अभी तक इनको बिल्कुल भी फ्राई नहीं किया, राइस पापड़ हैं ये, देखेंगे कैसे हैं। और ऑल पर मिल्क लिया है, सम टाइम होता है कि दूध वाला नहीं आता तो फिर दूध की ज़रूरत पड़ती है। और मैक्रोनी ली मैंने, और दो शेप की मैंने मैक्रोनी ली, और ये मैंने पास्ता लिया वाइट सॉस के साथ, ये बहुत मज़े का लगता है, तो ये मैंने लिया है। मेयोनेज लिया है, और ये कुछ बीन्स लिए हैं किडनी बीन्स, कॉर्न्स लिए हैं और वाइट किडनी बीन्स लिए हैं, रेड वाले भी लिए थे मैंने, और ये कुछ सालसा है, ये मनाल ने बहुत ओट पटांग चीज़ें उठा ली थी, तो बस ये मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें हैं। पुडिंग ली मैंने, ये कुछ सॉस लिया सैलड्स में डालने के लिए, सैलड मैं बनाऊंगी, सैलड बहुत अच्छा सैलड बनता है इसके साथ। और ये पॉपकॉर्न लिए हैं क्योंकि रात को लेट नाइट काम करना पड़ता है तो भूख थोड़ी बहुत लगती है, तो फिर इसलिए मैंने पॉपकॉर्न लिए थे। और बाकी ये चाय की पत्ती ऑयल लिया है, पैराशूट ऑयल मैंने सुना है बहुत अच्छा है, और वो डिश वॉशिंग सोप, सर्फ और साबुन और इस तरह की मतलब सारी चीज़ें जैसे ग्रॉसरी के लिए होती हैं तो वो मैंने ली हैं। कंडीशनर लिया है, पेंटीन का कभी ट्राई नहीं किया तो मैंने सोचा कि चलो ट्राई करते हैं इसको भी। सोया सॉस लिया, ऑयल लिया, कॉर्नफ्लेक्स लिए, टॉवल लिए और बाकी सारी चीज़ें आपको एग वगैरह सब कुछ नज़र आ रहा होगा, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। हनी लिया मैंने, और ये चिकन पाउडर मैंने लिया क्योंकि अब चाइनीज़ सॉल्ट तो कहीं से मिलता नहीं है, तो ये कि टेस्ट बनाने के लिए सम टाइम डालना पड़ता है राइस में या दाल में या सब्ज़ी में या कुछ भी इस टाइप का बना रही हूँ तो उससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाता है, तो ये मैंने पूरा डब्बा ही ले लिया है। और ये मैंने जार लिए हैं, बहुत प्यारे मुझे लग रहे थे, कलर मुझे येलो बहुत पसंद है। और ये टिश बॉक्स लिया है डाइनिंग टेबल के लिए, और ये कुछ एक्सटेंशन मुझे चाहिए थी बिजली की, मुझे जगह जगह ज़रूरत पड़ती है टीवी के साथ और फिर दूसरा लैपटॉप वगैरह के लिए मुझे ज़रूरत थी, तो मैंने फिर ये दो ले लिए थे, एक मैंने बड़ी छोटी, छोटी मैंने टीवी बेडरूम के लिए ली है, बड़ी मैंने अपने काम में, मुझे प्रिंटर लगाना पड़ता है और दो तीन चीज़ें लगानी पड़ती हैं, मोबाइल लगाना पड़ता है। और ये स्पून रेस्ट मैंने लिया है, मेरे पास था नहीं तो ये भी मैंने ले लिया। और ये मैंने एक नन्ही मुन्नी सी छोटी सी मैंने पतीली सी ले ली है, मुझे इतनी क्यूट लगी ना तो फिर मैंने ले ली, एक दो कप चाय बनाने के लिए काफ़ी है। तो अब आ गई हूँ मैं किचन में, और ये है थर्सडे, और आज मैं बनाऊँगी चिकन कोरमा।
और आज और बनाऊंगी दूसरा ब्राउनीज़ बनाऊंगी। मुझे काफ़ी अर्सा हो गया मैंने ब्राउनीज़ नहीं बनाए थे, तो अब मैं ब्राउनीज़ बनाऊंगी और मैं बनाऊंगी कुकिंग रेंज में ही बनाऊंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि जितनी अच्छी इसमें कुकिंग होती है वो कहीं नहीं होती, बेकिंग ख़ास तौर पे। और ये जो बास्केट में ऑर्गेनाइज़र मैंने लिया था कैबिनेट्स के साथ ही, इसको मैंने हैंग कर दिया है, बहुत कन्वीनियंट है, बहुत अच्छी चीज़ है, तो ये मैंने इसको यहीं पर ही लगा दिया। मैं प्याज जो है वो पहले काट रही हूँ कोरमा बनाने के लिए। और प्याज काटने के बाद फिर मैंने लहसुन भी कूट लिया इसमें कोंडी में, और मेरे मसाले ख़त्म हुए रखे थे तो मैंने गरम मसाला जो है इसमें पीस लिया था कॉफ़ी ग्राइंडर में, और बहुत अच्छे से पीस जाता है ये। सिंकोर का है, बहुत अच्छा ब्रांड है, क्योंकि आप समटाइम पूछते हैं। मैंने लिया था पिंडी से, एक स्टोर से ही लिया था, मैंने ऑनलाइन नहीं मंगवाया था, वरना मैं आपको लिंक दे देती। और गरम मसाला पीसने के बाद अब काली मिर्चें रखी थी तो वो भी मुझे ज़रूरत थी, तो मैंने सोचा उनको भी मैं पीस कर रख लूँ। तो महीने में एक आध बार मुझे ये पीसना पड़ता है, तो वो महीने के लिए काफ़ी हो जाता है। और अब इस जगह की सफाई कर लूँगी, क्योंकि मैंने अपने जार्स में डाल के कैबिनेट में रख लिया है मसाले सारे। और उसको मैंने कॉफ़ी ग्राइंडर को मैंने अच्छी तरह साफ़ करके रख दिया है। अब मैं बना रही हूँ कोरमा, उसके लिए मैंने कढ़ाई में सबसे पहले ऑयल डाल दिया है, और ऑयल डालने के साथ ही मैं इसमें प्याज डाल दूँगी। उससे क्या होता है, प्याज बहुत क्रिस्पी बनते हैं, तो ठंडे ऑयल में ही साथ में ही प्याज डाल देने चाहिए। अब प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, तो मैं इनको अलग से निकाल कर रख दूँगी जब तक ये ठंडे और क्रिस्पी हो जाएंगे। उसके बाद फिर मैं उसको दही में मिक्स करके और जो मसाला उसमें डालते हैं वो सारा उस मसाला उसमें डालूँगी। प्याज निकालने के बाद अब इसमें मैं उसी ऑयल में थोड़ा सा मैंने और ऑयल भी डाला है, कम लग रहा था मुझे, तो मैंने ये चिकन डाल दिया है। अच्छा, इन चीज़ों में थोड़ा सा ऑयल, अगर घी और ऑयल थोड़ा ज़्यादा हो तो अच्छा लगता है, क्योंकि ये ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं, कभी कभी बनती हैं, तो अगर ऑयल या घी उस पर मतलब तिरन नज़र ना आए तो फिर मज़ा नहीं आता है, तो थोड़ा सा इसमें होना चाहिए। अब मैं अच्छे से इसको चिकन को फ्राई कर लूँगी, उसके बाद मैं इसको लहसुन डाल के भी फ्राई करूँगी इसके साथ, ताकि इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। और चिकन को मैंने लहसुन डालने के बाद थोड़ा सा भूना है, फिर मैंने उसका ढक्कन बंद कर दिया है और बिल्कुल थोड़ी आंच मैंने कर दी है। अब मैं दही में, एक कप मैंने दही लिया है, उसमें मैं प्याज जो है वो थोड़ी सी चूरा कर रही हूँ, वरना साबुत रह जाएंगे। और इसको हाथ से अच्छा से चूरा करने के बाद फिर मैंने इसको दही में डाल दिया है, और अब मैं जो इसमें स्पाइसीज हैं वो ऐड कर दूँगी।
इसमें जाएगा, सबसे पहले मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून गरम मसाला डाला है, हाफ़ टी स्पून मैंने काली मिर्च का डाला है और सॉल्ट डाला है, मतलब स्वाद अनुसार जिसे कहते हैं वो मैंने डाला है इसमें। अच्छा, इसमें मैंने हल्दी डाली है, हल्दी मैंने भर के एक चम्मच ही डाली है, और लाल मिर्च मैंने इसमें दो चम्मच भर के डाले हैं क्योंकि मुझे थोड़ा लाल लाल सा चाहिए, और धनिया पाउडर मैंने इसमें डाला है हाफ़ टी स्पून। बस अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। अच्छा, इलायची मैंने उसमें डाल दी थी, वो मैं दिखा नहीं पाई, तो इलायची मैंने पहले से ही दही में डाल दी थी। अब ये अच्छे से गोल्डन सा हो गया है चिकन, और लहसुन भी गोल्डन हो गया है, और अच्छे से इसकी स्मेल जो है ना, वो रॉ स्मेल जो है वो ख़त्म हो गई है। अब मैं इसमें जो दही वाला मिक्सचर है वो सारा इसमें ऐड कर दूँगी। और थोड़े से आलमंड और थोड़े से काजू मैंने अच्छे से इनको पहले गर्म पानी करके इनको भिगो दिया था, तो अच्छे से जब ये सॉफ़्ट हो गए तो मैं इसका छिलका उतार रही हूँ बादाम का, और फिर मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी, और इसका पानी जितना भी पानी है, क्योंकि मैंने पानी भी थोड़ा सा इसमें डाला था, तो अब मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता, ताकि जो मसाला है वो अच्छे से रच बस जाए और जो चिकन है वो अच्छे से टेंडर हो जाए। तो बस इसमें अब मैं वही डालूँगी ग्राइंड करके, थोड़ा सा पानी मैं इसमें डालूँगी और हल्का सा पानी भी डालूँगी, अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी, इसका पेस्ट सा बन जाएगा, तो फिर ये भी मैं उसमें ऐड कर दूँगी। और इसकी भुनाई जो है कौरमे की वो अच्छे से हो रही है, और मसाला भी इसमें तकरीबन ड्राई हो चुका है, तो अब मैं इसमें ये जो मिक्सचर था ये मैंने डाल दिया है, तो इससे बड़ा अच्छा क्रीमी सा टेस्ट भी आता है और ग्रेवी जो है वो थिक सी हो जाती है, बादामी कौरमा इसे कह सकते हैं। और अगर इसमें बादाम भी डाल लें हाफ़ जैसे होते हैं छिलका बग़ैर छिलके के, तो वो भी इसमें बड़े अच्छे लगेंगे, बड़े टेस्टी लगेंगे। तो बस इसको थोड़ा सा पका के और मैं इसको फाइनल कर दूंगी अब। और दूसरी तरफ अब मैं तैयारी कर लूँगी ब्राउनीज़ बनाने की, तो ये मेरा बहुत पहले का मैंने सामान अब चेंज किया है, तो अब मैंने ये सामान निकाला है तो मुझे अपनी बेकिंग याद आ गई, मैं पहले बहुत बेकिंग मैंने की है, चैनल बनाने से पहले बहुत की है मैंने, लेकिन फिर जब जब चैनल स्टार्ट हुआ तो पता नहीं क्यों फिर एकदम बेकिंग से बिल्कुल ध्यान ही मेरा हट गया। और ब्राउनीज़ बनाने के लिए मैंने 4 अंडे लिए हैं, और ये जो मेरा आप देख रहे होंगे इसको बोलते हैं आई थिंक शेफ़ बोलते हैं, पता नहीं इसको कुछ नाम है इसका ना, तो बहरहाल अब इसमें मैं बीटर से बीट कर लूँगी। पहले मैंने अंडे इसमें 4 डाले, और मैंने 1 टीस्पून मैंने वनीला एसेंस का मैंने इसमें डाला है, और हाफ़ कप मैंने इसमें वेजिटेबल ऑयल मैंने इसमें डाला है। पहले मैं लिक्विड डाल लूँगी और उसको अच्छे से मैं बीट कर लूँगी।
और अब मैं इसमें डाल रही हूँ मैदा। अच्छा, मैदा मैंने इतना यहाँ तक डालना है कि उसमें 2 चम्मच, क्योंकि मैंने कोको पाउडर के डालने हैं, तो वो और मैदा सारा मिक्स हो के 1 कप बन जाए। और एंड में मैं 2 चम्मच फिर इसके निकाल लूँगी, क्योंकि 2 चम्मच की मुझे जगह रखनी है और मुझे कोको पाउडर इसमें डालना है, जो कि मेरा पैकेट में ही रखा हुआ था। तो बस वो मिलाकर, और इसमें थोड़ा सा मेजरमेंट का ज़्यादा ख्याल नहीं रखना पड़ता ब्राउनीज़ बनाने में, बस ये कि बैटर अच्छा सा, ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो, ज़्यादा पतला भी ना हो, मतलब सही उसकी कंसिस्टेंसी जो है ना वो ठीक होनी चाहिए। तो मैं तो इसको बस आम सा बीट करके भी, जैसे आम विस्क होती है उसे बीट करके भी मैं बना लिया करती थी, लेकिन ये कि इससे, इस प्रॉपर तरीके से अगर आप बनाते हैं तो बहुत अच्छे ब्राउनीज़ बनते हैं। और 1 कप मैदा, और वो लेने के बाद, कोको पाउडर लेने के बाद मैंने इसको 2 बार छान लिया है आम छलनी से, और 1/2 टीस्पून, 1/4 टीस्पून सॉरी, मैंने इसमें डाला है सोडा, मीठा सोडा। बेकिंग पाउडर मेरे पास था नहीं, एक्सपायर हो गया था तो वो मैंने फिर फेंक दिया, तो मीठा सोडा मेरे पास रखा था वो मैंने इसमें डाल दिया है। और अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके जो फ्लावर है वो मिक्स करती जाऊँगी और इसको बीट करती जाऊँगी। थोड़ा सा बैटर मुझे थिक लग रहा था, तो फिर मैंने इसमें थोड़ा सा मैंने दूध डाला है ताकि बैटर थोड़ा सा पतला हो जाए, और उसको मैं घुमा रही हूँ ताकि अच्छे से वो इक्वली हर जगह से उसका जो पाउडर है वो सारा मिक्स हो जाए। और अब स्पैचुला से मैं साइड से भी कर रही हूँ ताकि अच्छे से उसमें मिक्स हो जाए। तो ये एक परफेक्ट ब्राउनीज़ बनाने की ये रेसिपी है और बहुत अच्छी बनती हैं। और लास्ट में मैं डालूंगी ब्राउन शुगर 1 कप भर के, तो ब्राउन शुगर से ही इसका असल जो है ना वो टेस्ट आता है। चीनी से भी अच्छा टेस्ट आता है लेकिन ब्राउन शुगर से बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो बस 1 कप मैं इसमें ये ऐड कर दूंगी और अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और जो बेकिंग पैन है उसको मैंने अच्छे से पहले ऑयल से ग्रीस कर लिया है, उसके बाद मैं इसमें जो बटर पेपर है उसको बिछा रही हूँ ताकि नीचे से लगे नहीं, अगर लग भी जाए तो ख़राब नहीं होता, मतलब ऐसे काला काला जैसे जल जाता है ना वो नहीं होता। तो इसमें एहतियातन बिछा लिया जाता है, वरना ना भी बिछाएं तो कोई नहीं, इस तरह का अगर सही आप बेकिंग टेम्परेचर रखेंगे तो कोई मसला नहीं होगा। और अब मैं इसमें पोर कर रही हूँ ये सारा मिक्सचर जो है। और ओवन को मैंने 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया था, नीचे का मैंने जलाया था और बिल्कुल स्लो मैंने हीट कर दिया, क्योंकि इसका बटन भी देखें टूटा हुआ है, मासी मेरी एक आई थी उसने तोड़ दिया था, तो मैंने बिल्कुल स्लो हीट पे, मुझे लगा कि हाँ इस पे ये ठीक बन जाएगा, तो मैंने इसमें बना लिया है। इसका मैं टाइम का ऐसा कुछ नहीं कह सकती, जब तक ये कम से कम आधा घंटा तो ये पकता ही है इस टेम्परेचर पे, तो उसके बाद फिर ये आप चेक कर सकते हैं, नहीं तो 5 मिनट के लिए और रख सकते हैं, लेकिन बहुत स्लो हीट पे आधा घंटे के लिए इसको ज़रूर पकाना चाहिए। बाकी माइक्रोवेव में भी मैं बनाती थी पहले, 3-4 मिनट में बन जाता था लेकिन वो हार्ड हो जाता था, इससे बहुत अच्छा बनता है। अब मैं इसकी सॉस बना रही हूँ, इसके लिए मैंने 2 से 3 चम्मच मैंने कोको पाउडर लिए हैं, अपने रफ एस्टिमेट होता है, ज़्यादा कुछ वो नहीं होता, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होते इसके। तो मैंने इसमें चीनी डाली है और थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल डाला है, और इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी क्योंकि मुझे बस पतला सा ही इसका वो चाहिए, और ये इसमें पानी गया, और इसको मैं बहुत स्लो फ्लेम पे मैं इसको पकाऊँगी। ये देखें, इसको साथ साथ हिलाना है, इसको छोड़ना नहीं है वरना ये जल भी सकता है, तो बस इसको, इसका पतला सा ही एक वो चाहिए,
कंसिस्टेंसी इसकी पतली सी चाहिए होगी। और सबसे पहले हम लोग खाना खा रहे हैं, मनाल और मैं। और कोरमा जो है वो बहुत मज़े का बना था, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही सिंपल रेसिपी है इसकी तो। और मनाल भी खाना खा रही है। और ब्राउनीज जो थी वो बेक हो रही थी, तो आधे घंटे के बाद ये बिल्कुल बेहतरीन सी बन गई हैं। ये देखें बिल्कुल कच्चा भी नहीं है, छुरी लगा के चेक कर सकते हैं या कुछ भी टूथपिक लगा के भी चेक कर सकते हैं। तो अब मैं इसको निकाल लूँगी और बस इसकी पीसीस करके, और फिर आप खाइए। बेशक इसको रख भी सकते हैं डब्बे में, डब्बा भर के रख सकते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा रहता है। तो यहीं तक था मेरा आज का वीडियो, इंशाल्लाह आपको पसंद आया होगा। अगली वीडियो में, किसी और वीडियो में मुलाकात होगी आपसे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।